हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दी नॉलेज अड्डा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कानपुर के जू के बारे में। उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। कानपुर जू का पूरा नाम एलन गार्डर जू है, जो कि लगभग 76 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और ये जू उन जू में से एक है जो नेचुरल फॉरेस्ट में बना हुआ है। ये 4 फरवरी 1974 में पहली बार ओपन हुआ था। यहाँ जानवरों की लगभग 125 प्रजातियाँ हैं और लगभग 1400 के करीब जानवर हैं। इस जू के पहले निदेशक आरएस भदौरिया थे। इस जू में नेचुरल लेक और काफ़ी पुराने पेड़ भी हैं। ये जूलॉजिकल पार्क नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा ओपन ग्रीन स्पेस वाला पार्क है। इस पार्क का नाम प्रसिद्ध ब्रिटिश उद्योगपति जॉर्ज बर्नी एलन के नाम पर रखा गया था। इन्होंने ही इस जूलॉजिकल पार्क को सन 1913 से 1918 के बीच में बनवाया था। यहाँ नियुक्त किए जाने वाले डॉक्टरों में से पहले डॉक्टर अश्विन कुमार त्रिपाठी थे, जिन्होंने जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। यहाँ के मांसाहारी पशुओं को खिलाने के लिए लगभग 170 से 190 किलोग्राम मांस की खपत रोजाना होती है। यहाँ भी बटरफ्लाई पार्क है और इस पार्क को बनवाने के लिए लगभग 1 करोड़ की लागत लगी है। जहाँ कैलेंडुला, गुल मेहंदी और डहेलिया जैसे लगभग 100 फूलों की प्रजातियाँ हैं, जो बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करने का काम करती हैं। और अब तक यहाँ बटरफ्लाई की लगभग 50 प्रजातियाँ देखी गई हैं। इस जू में अप टू डेट वेटनरी हॉस्पिटल यानी कि पशु चिकित्सालय भी हैं। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के डॉक्टर टीम में डॉक्टर आर के सिंह, डॉक्टर यू सी श्रीवास्तव और डॉक्टर मोहम्मद नासिर हैं। वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित बॉर्न उल्लू और जंगली उल्लू की प्रजातियों के 7 दिन के चूजों को हाथ से पालने के कारण इस चिड़ियाघर के चिकित्सालय ने एक रेयर अचीवमेंट हासिल की है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।